Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm तो दोस्तों हम लोग अभी इस टाइम अपना रूम दिखा रहे हैं आपको। ये रूम हमारा बहुत अच्छा है, इसमें 3 बेड हैं, 7 लोगों की स्पेस है, फैमिली रूम है। ये हमें पड़ा 1500 रुपये पर डे के हिसाब से, हमारे कुछ जानकार थे तो उनसे पड़ा। और आप देखिए बाथरूम की हालत भी एकदम ठीक ठाक ही है, ज़्यादा अच्छी नहीं, ज़्यादा बेकार नहीं। और खिड़की से बाहर का नज़ारा तो क्या ही औसम है, आप ज़रूर देखिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए खिड़की से बाहर हमें रोहतांग पास दिख रहा है पूरा, जो कि हमें बहुत अच्छा सुबह सुबह लग रहा था देखने में, और ठंडी हवा काफ़ी आ रही थी, बहुत अच्छा है। तो रूम आपको दिखवाने के बाद फिर हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और ब्रेकफास्ट करे बिना काम नहीं चलता। तो हमने लिए आलू के पराठे, 20 रुपये का एक पराठा विद अचार विद चाय। भाई मास्क लगाना ज़रूरी है बहुत, यहाँ पे 1000 रुपये का चलान है। और धूप देखो कितनी तगड़ी खुली, अब हम नारकंडा के लिए टैक्सी ले चुके हैं, यहाँ से पड़ेगी 2500 रुपये में 7 बंदे नारकंडा के लिए टैक्सी, जो कि माने मुने ठीक ही है, कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है, मतलब एवरेज एक हिसाब किताब है। तो अब यहाँ से निकलेंगे नारकंडा, आपने रूम वूम देख लिया ऊपर, ठीक ही था, ज़्यादा वो नहीं था। तो बाकी ये लोकेशन है, सारी लोकेशन है। तो टैक्सी आने वाली है, भाई कैसा लग रहा है? बहुत सही लग रहा है, ठंड लग रही है यार, मजा तो आ रहा है, एडवेंचर पूरा है, ठंड सी लग रही है पर कोई चक्कर नहीं, शिमला ठंड तो लगेगी लगेगी। ये है अपनी गाड़ी टवेरा, पूरी 7 सीटर 7 बंदों के लिए, ये थोड़ी यही है टवेरा, यही भाई। गाड़ी सब गाड़ी बैठ गए, गाड़ी बहुत लेट आई है, सबर का बांध टूटते टूटते बचा है, तो टूटते टूटते बचा है। तो बाकी ड्राइवर साहब कोशिश करेंगे एकदम लगा देने की, तो पूरे हिसाब किताब से लगा देना ड्राइवर साहब। बाकी हम नारकंडा जा रहे हैं, नारकंडा यहाँ से 75 किलोमीटर है जिस जगह हम जा रहे हैं, और बर्फ वहाँ पे कहते हैं दबा के मिलेगी। देखो डबल डबल सिलेंडर लाद के, और हम लोग तो पसीने छूट गए थे यार, थोड़ा सा ऊपर जाने में, 1 किलोमीटर ऊपर जाने में उड़ के देख रहे भाई साहब, पूछो मत। 2 hours later भाई मजा आ गया, मजा एकदम मजा, एक नंबर वाला। पीछे का व्यू दिखाएं,
पता नहीं क्यों ठंड के मारे पंजाबी निकलने लगे मुंह से। ये लो ये देखो ये रही कितनी सारी बर्फ, ये देखो ये रही ऐसे ही निकल रही है वो रही बर्फ। कांच भी है देखियो, भाई साहब भाई, मजा आ रहा है भाई बहुत। भाई साहब मजे हम बयान नहीं कर सकते, मजे हम बयान नहीं कर सकते सही में, इतने ज्यादा मजे आ रहे हैं तो पूछो मत।
से ऊपर गया, वहाँ से फिर ऊपर से घूम घाम के फिर वापस आके इस रोड से फिर से वापस आ रहा हूँ। भाई एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, हैरान मत होना, और ये है रोहतांग पास जो कि नारकंडा से बिल्कुल एकदम साफ साफ दिखता है क्लियर। नारकंडा से रोहतांग पास का लाइव नज़ारा, धूप अभी भी है। पूरा मजा ले रहे हैं बंदे लोग यहाँ पे। सामने बादल छा रहे हैं, अब फिर से स्नो फॉल हो सकती है, हवा जाते है तो हो जाए तो मजा आ जाए। इसी बहाने आपको स्लो फोन भी दिखा देंगे। स्लो फोन कह रहा है? स्लो फोन स्नो फॉल चमड़े की जुबान है, फिसलता है। तो भाई लोग वीडियो का हो चुका है एंड, और अब मैं जाने वाला हूँ अपने होटल की। पहले भी एक वीडियो है वो भी देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ा सा अभी आराम से जाना पड़ेगा, अपने ब्लैक आई से इधर बहुत सारा। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करना, सेफ रहना, और अगर लोकेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर आना। वैसे यहाँ बहुत सारी वीडियो होगी लेकिन बहुत अच्छी लोकेशन है, ज़रूर आना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तीन बार बोल दिया, चौथी बार भी बाय बाय।